वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं हूँ वर्षा इंद्री और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ डिटॉक्स डाइट प्लान। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। डिटॉक्स डाइट प्लान हम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के वे करेंगे। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपसे शेयर किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग में वॉरियर डाइट प्लान हम कर सकते हैं। वॉरियर डाइट प्लान में 20 आवर्स का फास्टिंग विंडो रहता है एंड जस्ट 4 आवर्स इज ईटिंग विंडो। 4 घंटे में आपने क्या लेना है, आपने सिर्फ 1 मील लेना है एंड आप ले सकते हो फ्रूट्स। तो आपके हिसाब से टाइम डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूंगी कि आपने ये डाइट प्लान जो है ये आपको करना है ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट, तो आप ये टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो 9 to 1 के बीच में। सो 9 to 1 के बीच में आपको खाना है एंड फिर नेक्स्ट डे तक आपको सेम टाइम पे खाना है। बट रिमेम्बर वन थिंग, आपको ये डाइट प्लान ज्यादा समय के लिए नहीं करना है। यू कैन डू ओनली वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, उससे ज्यादा आप इसे करिएगा मत। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी को हील होने के लिए टाइम मिलेगा, बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए टाइम मिलेगा और वेट लॉस में ये रिजल्ट आपको फास्ट देगा। तो आइए शुरू करते हैं वॉरियर डाइट प्लान इन इंटरमिटेंट फास्टिंग वे, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, हील होगी। या तो आप इसे रिलीजियस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूजडे का फास्ट करते हैं, थर्सडे करते हैं, सैटरडे करते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपको दिन लगता है करना चाहिए उस दिन आप इसे कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, करके देखिए। आपने मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने इसकी प्राइस बहुत ही लो रखी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इट इज जस्ट 199। यू विल गेट 4 वीक्स डाइट प्लान जिसमें आप अप टू 5 केजी तक वेट लॉस कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन डाइट प्लान है जिससे बहुत लोगों का वेट लॉस होना शुरू भी हो गया है क्योंकि उनके रिजल्ट मुझ तक पहुंच भी गए हैं। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उसे आप जरूर क्लिक कीजिए और यू कैन एंटर इनटू दिस प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं वॉरियर डाइट प्लान इन इंटरमिटेंट फास्टिंग वे, जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा और आपके बॉडी को हील भी करेगा। मॉर्निंग में आपने लेना है एम्प्टी स्टमक डिटॉक्स वाटर। अब गर्मियां शुरू हुई है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप क्या ले सकते हो डिटॉक्स वाटर में, आप डिटॉक्स वाटर में थोड़ा सा जिंजर और लेमन ले सकते हैं। या तो आप द बेस्ट डिटॉक्स वाटर इन समर सीजन इज चिया सीड डिटॉक्स वाटर, या अगर चिया सीड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप लीजिए सब्जा सीड्स डिटॉक्स वाटर। फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो विंडो डिसाइड कर रही हूँ वो 9 to 1 का कर रही हूँ, जिसमें 4 आवर्स में आप ले सकते हो ईटिंग, मतलब 4 आवर्स में आप खा सकते हो। अब क्या खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो मैंने जैसे ही कहा। लेकिन अगर आप मैंगो खाना चाहते हो और आप बोलोगे मुझे फास्टिंग भी करना है, तो देखिए मैंगो बहुत स्वीट होता है। अब ये समर सीजन में क्या क्या फ्रूट्स अवेलेबल होती है, द बेस्ट इज वाटरमेलन, तो आप लीजिए 9 o'clock वाटरमेलन 1 plate या 1 bowl आप ले सकते हो। या तो सारे फ्रूट्स मिक्स करके आप फ्रूट सैलेड भी बना सकते हो। तो फ्रूट सैलेड में आप ले सकते हो ऑरेंज ले सकते हो, आप ले सकते हो वाटरमेलन ले सकते हो, एप्पल 2-3 slice ले सकते हो। इसे करके आप 1 bowl आप फ्रूट सैलेड लीजिए या तो फिर सिर्फ वाटरमेलन ले लीजिए। देन 1 o'clock तक आप लंच ले सकते हो। अब इसमें अगर आपको लाइट फूड लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगी बानिया राइस आप लीजिए या उसके आप डोसे बना सकते हो एंड दैट यू कैन हैव विद चटनी, अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए फास्टिंग करना चाहते हो।
अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको वेट लॉस के लिए फास्टिंग करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी आप मिलेट की रोटी ले लीजिए, जैसे बाजरा, रागी या जोवार, और उसके साथ आप ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, और उसके साथ आप लीजिए मिक्स वेज रायता या सैलेड। ये हो गया आपका वॉरियर डाइट प्लान। अगर आप फास्टिंग रिलीजियस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना, तो फिर क्या खा सकते हो? आप खा सकते हो भगर खा सकते हो, यानी कि बार्नयार्ड राइस खा सकते हो, उसके साथ आप ग्रीन चटनी भी ले सकते हो या रायता ले सकते हो, मिक्स वेज रायता ले सकते हो, या आप कर्ड ले सकते हो, या आप लीजिए राजगीरा पॉरिज, या आप ले सकते हो राजगीरा पराठा। दोनों भी रेसिपीज मेरे चैनल में है, मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, देख लीजिए कैसे करना है। फिर फास्टिंग के दौरान आपने क्या करना चाहिए? फास्टिंग के दौरान आप ले सकते हो ग्रीन टी, या तो आप ले सकते हो नॉर्मल मिल्की टी, बट ट्राई टू टेक विदाउट शुगर और विथ लेस शुगर, ठीक है। फिर आप ले सकते हो ब्लैक कॉफी ले सकते हो, यू कैन हैव कोकोनट वाटर एज वेल, यू कैन टेक ऑरेंज, जो भी लेना है आपको वाटरी फूड लेना है जिसमें पानी ज्यादा है, बट डोंट ट्राई टू टेक फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन वगैरह आप फास्टिंग में मत लेना। जो भी चीजें आप ले रहे हो फास्टिंग के दौरान वो आपको 50 कैलोरीज तक ही सीमित रखना है, तो ऐसी सारी चीजें देखिए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो एंड लो इन कैलोरी हो। तो क्या ले सकते हो? वन कुकुम्बर ले सकते हो, और यू कैन टेक जैसे मैंने कहा टी, कॉफी, ब्लैक कॉफी, ये सारी चीजें ले सकते हो, या तो आप ले सकते हो ऑरेंज या स्वीट लाइम जिसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आप फास्टिंग में ले सकते हो। तो आप जब फास्टिंग करोगे तो आपने क्या रखना है, लंच टू लंच रखिए, या आप लीजिए ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट का टाइम डिसाइड कीजिए, टाइमिंग आप आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए, लेकिन जो भी लेना है आपको 4 आवर्स में ही लेना है। और ये डाइट प्लान आपने रिपीट करना है ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट, वेट लॉस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। तो ट्राई कीजिए, करके देखिए, और मुझसे रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। फॉर द बेस्ट रिजल्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आपको मिनिमम 45 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। आप कोई भी कार्डियो एक्टिविटी या योगा या जिम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप 45 मिनट्स तक करें। कम से कम 3 to 4 liters वाटर आप जरूर पीजिए होल डे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जिन्हें डायबिटीज से या हार्ट प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिसिंस ले रहे हो तो बिना डॉक्टर की सलाह आप ये डाइट ना करें। जो नर्सिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं वो भी ये डाइट फॉलो ना करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एक दिन, वीकली, ट्वाइस, थ्राइस या आप ऐसे लंबे समय तक भी कर सकते हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये सभी लोगों के लिए टिप है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्स्ट मील या लास्ट मील जो भी आप खाते हो ट्राई टू टेक लेस कार्बोहाइड्रेट। इट डजेंट मीन आप चाहे जितना खा सकते हो, आपको आपके पोर्शन वॉच करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई टू टेक लेस कार्ब्स। अगर आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों साथ साथ फॉलो करते हो तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।